हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय चैनल किंग ब्लू मैपल। आज हम बात करेंगे पेट ऑफ फॉर स्प्रे के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पेटल फॉल पे दोस्तों आपको ओनली पॉट रिमेडी के लिए ही स्प्रे करनी पड़ती है। पेटल फॉर पे दोस्तों आपको सिस्टमेटिक फंगिसाइड जैसे माइक्रोब्यूटलिन या कंटाफ या स्कोर जैसी केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना, स्कोर को हमेशा आप सिंगल कंपोनेंट के साथ यूज़ करें, इसके साथ कोई दूसरा एक्स्ट्रा केमिकल ना ऐड करें। और सिस्टम फंगिसाइड आपके कॉलर रॉट को ख़त्म करने में भी हेल्प करती है, इसलिए आप ज़रूर पेटल फॉर पे एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड जरूर करें जो आपको बेस्ट और अच्छी मार्केट में अच्छी प्राइस में मिले। कोई सी भी आप चूज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके ऑर्चर्ड में इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम है तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हो, जैसे मेलाथियोन या डर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेटल फॉर के बाद हमारे कैल्शियम का क्या रोल रहता है। कैल्शियम हमारे सेब के लिए आफ्टर पेटल फॉर बहुत अहम रोल निभाता है। ये हमारे फूड में डिवीजन एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, साथ में हमारे फ्रूट साइज, फूड वेट और स्टोरेज कैपेसिटी को इनक्रीज करता है। इसलिए दोस्तों आप पेटल फॉर के बाद जो आपका कैल्शियम है इसके डोजेज स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करके टिल टू हार्वेस्ट तक कर सकते हैं। आप शुरू में कैल्शियम 30 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो और इसके आस्ते आस्ते डोजेज बढ़ा सकते हो। और इसके साथ आपने दोस्तों बोरोन जरूर ऐड करना है। बोरोन आप 100 ग्राम ऐड कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों आजकल कैल्शियम और बोरोन काफ़ी कम ही प्रोडक्ट में आते हैं, आप जैसे कि कैलीटेक और कैलवान टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। बाकी आपको जो अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है मार्केट में, काफ़ी प्रोडक्ट है जो आपको बेस्ट लगे आप चूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने पिंक वर्ड पे 12 काट की सब फॉलियर स्प्रे नहीं की तो आप इस स्प्रे में ज़रूर ऐड करें, ये भी आपके फ्रूट डिवीज़न में काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।